मेरे को ऐसा लगता है कि सुबह आप उठो और आपके दिमाग में एक आइडिया आया, वो आपका आज का पर्पस बन गया और अगर आपने उसको जी लिया तो आज की पिक्चर खत्म। बचपन की मोहब्बत, जवानी में दिलावन की मजा नहीं आया, पैसे वापस दिलावन देख लो। और उस पिक्चर के अंदर थोड़ा बहुत खुशी होगी, थोड़ा बहुत मसाला होगा, थोड़ा बहुत खाना होगा, थोड़ा बहुत टेस्ट होगा और थोड़ी बहुत दिक्कत भी होगी। मैं सुबह बहुत अच्छे मूड में उठा और मुझे याद आया कि 2 दिन के बाद ईद आ रही है। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आज ईद है, ईद मुबारक। तो मैंने अपने दोस्त को सुबह सुबह उठते ही मैसेज कर दिया कि भाई वीकेंड है और रमज़ान चल रहा है, 2 दिन के बाद ईद है और आज हम दोनों भाई मिलकर जामा मस्जिद चलेंगे, फुल खाना खाएंगे, बीवी को घर छोड़ेंगे क्योंकि हमारी बीवी हमेशा रहती है डाइट पे। उसने बड़े सिंपल भाषा में लिख दिया कि मैं एसी में बैठूंगा, बहुत गर्मी है और मैं इतनी भीड़ में जाने का नहीं। देख के ही ना इच्छा खत्म हो गई। मैं कह तो रहा हूँ चेक कर ले, मैं 100% कह। तो देखो अगर ये सब पहले ही हो जाता ना तो बात अलग थी, राइट? तो व्लॉग होता ही नहीं ना, फिर तो हम आगे बढ़ते ही नहीं वहीं से ही। मगर मैं चाहता हूँ कि आप भी ये फील करें कि ये इंसान जो इतना खुश है, बीवी साथ में है, मस्त खाना खा रहा है, इसको ये नहीं पता कि इसके पास अब इसकी जेब में और इसके बैग में इसका आईफोन 13 प्रो, जो इसकी वाइफ ने इसको दिलाया था, जो कि US से इसके दोस्त ने भिजवाया था, वो इसके पास नहीं है। I just want you to keep that in mind while you're watching this video. फ्रूट आइसक्रीम। खड़े देते नहीं है ना, बाय दो भाई। बहुत लंबी लंबी लाइन है बट वर्थ द वेट, क्योंकि करीम है भाई, छोटी बड़ी बात नहीं है, करीम करीम। झूठ बोल रही है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है लाइन में खड़े होना, झूठ बोल रही है। ना मुझे लाइनों में खड़े होना पसंद है ना मेरे को, मैं मतलब आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ, बेसिकली डाइट पे है, पता है ना आपको, डाइट पे है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि अब इतना खड़ा होकर कैलोरीज बन चुका है तो एक चिकन सीख कबाब तो बनता भाई दोस्तों, क्या है भी। बदल गई बदल गई बदल गई, घर से क्या कह रही, तू अकेला खाएगा। अरे यार हम ऋतुओं की तरह है, मौसम की है, तेरे तो ढोले बन रहे हैं। ये बहुत सारे वो खाने वाला है, शामी दोपहरी और राती वाले कबाब, और मैं तो अपना एक चिकन सीख कबाब मैं उसमें ही खुश हूँ, क्योंकि आज हमने 3-4 जगह जाना है ना, तो थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, हर जगह एक एक चीज तो खाऊंगी। पहले समझा के लाया हूं क्या बोल। स्वाद स्वाद चीजें आसपास से निकल रही है ना, भूख बढ़ जाएगी। हम अंदर खड़े हैं, अभी भी हमारी बारी नहीं आई, मगर हमारे साथ एक बंदा है जो लोगों की प्लेटों में झांक रहा है और हमेशा लोगों को अवॉइड करता है, वो इंसान ये रहा आपके सामने, हमेशा ऐसे करती है, घूरेगी, उठ जाओ, उठ यार जाओ। मेरे को फैसिनेट होता है लोगों को खाते देखना, मुझे अच्छा लगता है, और मेरे को ना पता नहीं चलता बट मैं वो नॉर्मली। आखिरकार वो घड़िया की जिसका हमें इंतजार था हम बैठ गए, मेरा चिकन सीख नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और अब इसने मुझे ऑफर किया है कि वो क्या होता है गोल वाला शामी कबाब, कबाब कह रहा है खा ले। मीठी रोटी को क्या कहते थे, शीरमल, शीरमल बहुत मीठी होती है या नॉर्मल मीठी होती है? नॉर्मल होती है, एक करा ले। अच्छा, शाम तक ये डाइट पे थी, अब ये मेरे साथ मटन भी खाने को तैयार है और अब ये कह रही है शीरमल पैक कराएंगे, शीरमल पैक कराएंगे। अरे कल भाग लेंगे यार, क्या हो गया, आज वक्त अपने हाथ से निकलने मत दो, कर लो जो करना है क्योंकि कल भी आएगा, टेंशन ही कल कर लेंगे। हेलो माय नेम इज दानियल एंड
माई चैनल नेम इज VIP फन टीवी. प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू एवरीवन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. वाओ इट्स सो गुड. असलम चिकन. और भैया ने बोला था कि जैसे ही ढलान आएगी तो आपको मिल जाएगा. और थोड़ी शांति भी हो गई है, थोड़ी भीड़ कम हो गई है यहाँ पर. 100 मीटर पे मिल जाएगा. तो इसके मजे आ रहे हैं. एक्चुअली शॉपिंग एरिया आ चुका है अभी. ये मोहब्बत का शरबत है मेरे भाइयों. मजा ना कोई भी पैसे मत ले गए. ये दिल्ली की मोहब्बत है. मजा नहीं कोई पैसा नहीं. फोटो ले लो. जब आप किसी ऐसे माहौल में जाते हो तो एक कैरेक्टर आपको ऐसा ज़रूर मिलता है जो एक आपको याद रह जाता है. ठीक है, तो ऐसे एक दो कैरेक्टर हमें मिले. पहला कैरेक्टर थे ये शकीर भाई. इनकी स्माइल चेक करो पहले. सॉरी अगर बुरा लगे तो. उस समय शायद मैं इनके ऊपर हंस रहा था क्योंकि ये थोड़े मस्त हो रखे थे. ठीक है, मगर अभी इनकी तरफ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये मुझ पर तो नहीं हंस रहे. कहीं इन्हें पता तो नहीं है कि मेरा आईफोन 13 प्रो मेरे पास नहीं है और मुझे पता ही नहीं. शकीर भाई से मिलने के बाद और ये रोमांटिक वाला शरबत पीने के बाद, रूह अफजा वाला अच्छा था ये, हमने नज़र डाली असलम चिकन की तरफ. असलम चिकन वहाँ का सबसे फेमस रोस्टेड, उनका अपना ही कुछ डिफरेंट चिकन. मगर उसके बाहर 150 लोग खड़े थे तो हमारी हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की. तो हम वापस हो लिए और वापस हो के हम मुड़े अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे जो कि था हाजी मोहम्मद चिकन. जैसे ही मेरी नज़र इस दुकान पर पड़ी, मुझे दिखा अपने दिन का सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो कि थे ये अंकल. इनका नाम था हाजी मोहम्मद. इन्हीं के नाम पे दुकान है. दुकान में बहुत सारे लोग खा रहे हैं और बहुत सारे लोग बना रहे हैं, मगर अंकल की अपना ही एक ऑरा है भाई. अंकल की अपनी एक स्टाइल है. यहाँ पर कहानी बदल जाती है क्योंकि मैं ज़्यादातर जब कैमरा से वीडियो बनाता हूँ तो फोटो लेने में दिक्कत आती है. वो मोड वोड चेंज करना पड़ता है, सेटिंग चेंज करनी पड़ती है. तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपना फेवरेट आईफोन 13 प्रो बैग से, मेरे को तो याद भी नहीं था कहाँ है, बैग से निकाला जाए और उससे फ़ोटो ली जाए. और तभी हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारा आईफोन 13 प्रो चेक कर ले. मैं 100% बाइगॉड मिल गया. चिपका पड़ा था. अगर नहीं होता ना यहाँ पे कलेश था. फिर कहते हैं हम बोलते हैं नल्ली निहारी नहीं. अगर आज ये फोन गुम जाता तो नल्ली निहारी की जगह नल्ला भिखारी मिलता. हाँ. आपको सर ऑन दी प्लेट फॉर रीति गंडोत्रा. ऐसे ही खींचती हुई यहीं से ले जाती घर वापस. मुझे इस बात की टेंशन थी ही नहीं कि चल यार चीज घूमती वापस आ जाती है. मगर भाई साहब इज्जत भी लुटती वो भी वापस आ जाती है इंसान की. बीवी के आगे वो भी आ जाती है. मगर जो कुटाई होती है पूरी जिंदगी. खाने का स्वाद आएगा ना. ओए होए होए वो सारी ले ली फर्स्ट क्लास. हमारे भैया वेट कर रहे हैं रिक्शे वाले. गुस्सा हो जाएंगे वो. चलो भैया. अरे फोन रह गया था गाड़ी में. सबसे इम्पोर्टेंट सामान तो भैया समझ गए ना. Subscribe कर दो.